धारणी तहसील के अधिकांश ग्रामीणों में तेंदुपत्ता संकलन के काम चलाए जाते हैं, जिसमें आदिवासी मजदूरों को बेहतर रोजगार प्राप्त होने के साथ इन्हें शासन की ओर से तेंदुपत्ता संकलन करने हेतु बोनस भी उपलब्ध किया जाता है। मेलघाट के आदिवासी मजदूरों के लिए एक माह तक चलाए जाने वाला तेंदुपत्ता संकलन की निविदा प्रक्रिया धारणी पंचायत समिति ने अपनी ओर से पूरी कर दी है। अब जल्द ही मेलघाट के मजदूरों को एक बेहतर रोजगार प्राप्त होने का मार्ग खुल गया है। इसके पूर्व वन विभाग द्वारा तेंदुपत्ता संकलन का काम किया जाता था, लेकिन पेसा कायदा अंतर्गत अब यह जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायतों को बहाल कर दी गई है और ग्रामीणों में तेंदुपत्ता संकलन किए जाने का जो राजस्व है वह ग्राम पंचायतों को प्राप्त होता है। अब इस वर्ष तेंदुपत्ता हंगाम को संबंधित ठेकेदार ने शासन द्वारा निश्चित किए गए दामों से ऊंचे दामों में प्राप्त कर एक बेहतर राजस्व के लिए ग्राम पंचायतों का मार्ग सुखद कर दिया है। धारणी पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी महेश पाटिल, विस्तार अधिकारी HB शेडाम व विस्तार अधिकारी भोजराज पवार तथा कंप्यूटर टेक्नीशियन गोपाल महाला एवं ठेकेदारों की उपस्थिति में ऑनलाइन टेंडर खोले गए, जिसमें 4 कंपनियों ने सहभाग लिया था, जिसमें बॉस्को, यश पाटिल एजेंसी एवं उमेश कंपनी का समावेश था, जिसमें उमेश कंपनी ने ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया में ऊंचे दामों में निविदा प्राप्त कर धारणी तहसील के तेंदुपत्ता संकलन की जिम्मेदारी स्वीकारी है। अब जल्द धारणी तहसील के ग्रामीणों में तेंदुपत्ता संकलन के कार्य का शुभारंभ होगा। यह विशेष तस्मीन शेख सुलेमान मेमन के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारणी।